जिनका भी आगमन हुआ और श्री आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को हमने देखा जो जम्मू से सांसद हैं इस बार 18वीं लोकसभा में। प्रोटोकॉल के हिसाब से अब मुख्यमंत्रियों राज्यपालों का आगमन हो रहा है और ये बहुत ही विशिष्ट स्थान राष्ट्रपति भवन का प्रांगण इतिहास के पन्नों में दर्ज और आज के इस समारोह को भी इतिहास में दर्ज करता हुआ। द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अकिन टू अ वाइब्रेंट बुके रिच इन डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। द ग्राउंड्स ऑफ राष्ट्रपति भवन स्टार्ट टू फिल विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ क्रिएटिंग अ टेपेस्ट्री ऑफ फेसेस रिप्रेजेंटिंग द वास्ट मोज़ेक दैट इज इंडिया। यंगस्टर्स filled with excitement stand beside elders who have witnessed decades of the nation's history. Every corner of the country finds its representation here. Men and women from different states, some clad in traditional attire that showcases the rich cultural heritage of India, and we see the bright saffron mingling with the elegant whites. This scene is a microcosm of India's pluralism, a beautiful blend of its numerous languages, dialects and traditions. बिल्कुल सही कहा प्रिया, राष्ट्रपति भवन की भव्यता को तो देखो। राष्ट्रपति भवन जो कि भारत के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय है, आज पुनः ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने जा रहा है। ये राष्ट्रपति भवन दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे भव्य और शानदार इमारतों में से एक है। लाल और हल्के गेहूं रंग के बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है और इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे थे। इस भवन को आजादी के पहले वाइसरॉय हाउस कहा जाता है और ये नव निर्वाचित सांसद हमारे सामने हैं, आदरणीय, इनका हम स्वागत करते हैं। जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी और विक्रांत मैसी, जिनको सबने सिनेमा के पर्दे पर देखा है। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर और वसुंधरा राजे सिंधिया, अजीत पवार एनसीपी गुट पवार अजीत पवार